सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हरून साहब कि आप मेरी दरख्वास्त पे यहाँ पे जिमखाना में तशरीफ लाए, मुझे मिलेंगे और सब उससे ज़्यादा मैं आपको वेलकम भी करने के लिए बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपका हमने जो प्रोग्राम बनाया है स्कैंडिनेविया का, नॉर्वे में सबसे पहले आपने आना है, तो आपके क्या तासुरात हैं जब हम नॉर्वे? मैं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि आपने इतनी मोहब्बत से कहा कि इनकार करना मुमकिन ही नहीं था। फिर भी ऐसे सुकून जो आपकी तंजीम का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का, वेलफेयर काम इतना अच्छा है, व्हील चेयर फराहम करना, यानी ये जो शहरी हैं स्पेशल सिटीजन्स जिनके मसले होते हैं तो हम इन्हें बहुत निगलेक्ट कर देते हैं और उन्हें हालात के रहम करम पर छोड़ देते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इनके बारे में सोचा, हमें और भी जितने हैं इनके बारे में सोचना चाहिए स्पेशल सिटीजन। उनकी स्लाइड पूरी होती है, कोई देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो माशरे के लिए मुफीद नहीं हो सकता या काम नहीं कर सकता। तो बहुत मुझे खुशी है कि आपने उनके लिए सोचा। तो जैसे मैंने इसके इतनी मोहब्बत से आपने कहा कि इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन्विटेशन मिलती रहती है तारिक साहब बहुत, जी जी, मुझे अमरीका से, वो अपना पेंटागन से, फलां जगह से, लेकिन आमतौर पर अवॉइड ही करते हैं क्योंकि अजनबी लोग होते हैं। नहीं, आपने जो इतनी शफकत के साथ ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो हम प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने उसके लिए जो वक्त निकाला और ख़ास तौर पे स्कैंडिनेविया के बारे में आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी, आपने देखा कि जिस तरह का वहाँ पे सिस्टम है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे है वो बड़ा मोहब्बत से आपका प्रोग्राम देखते हैं और जो ओपिनियन आप टीवी पे देते हैं वो हम समझते हैं कि ये वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानी समझते हैं कि यही सच है जो आप कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि स्कैंडिनेविया का जो सिस्टम वहाँ पे है वो सिस्टम जो कभी पाकिस्तान में भी आ सकेगा कि नहीं? क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में तो नहीं मगर 1799 यानी 218 साल पहले टीपू का इंतकाल हुआ है, वो टीपू ने ये पूरा नाफिस कर दिया था सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और ये तो आया है मदीना मुनवरा से 1400 साल पहले। जब वसाइल पैसे जमा हो गए तो एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि इस पैसे को क्या करें, व्हाट टू डू विद दिस मनी, और उन्होंने कहा कि शाहान अजम क्या करते हैं जब पैसे जमा हो जाते हैं, यानी अरब के बाहर की जो दुनिया है उनको अजम को कहते थे, तो रजिस्टर बनाए, ईरान से लोग बुलाए और मेंटेन किया, फिर उस पैसे को पूरा सिस्टम डेवलप किया सोशल सिक्योरिटी का,